मुंबई भारत का वो मेट्रो सिटी है जहां हर भारतीय के सपने सच होते हैं। सालों पहले ये सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में ये शहर काफी रोमांचक इतिहास समेटे हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाला ये शहर एक समय पर दहेज के रूप में एक विदेशी राजा को शादी के दौरान दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे। आज आपको मुंबई का जो चेहरा देखने को मिलता है ये हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि ये तो सात आइलैंड में बटा हुआ आर्किपेलागो था, जिसे आर्किपेलागो ऑफ सेवन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये आइलैंड्स मिलकर एक शहर बने, किसने इस पोर्ट टाउन को बसाया और आखिर बॉम्बे मुंबई कैसे बना। सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिजीनियस ट्राइब स्टोन एज से ही इन सभी आइलैंड्स पर रहा करते थे। कोलिस एंड आगरी नाम के ट्राइबल्स यहाँ के सबसे अर्लीस्ट नोन सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि ये जगह कई आइलैंड्स में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम नाम के सात अलग अलग आइलैंड्स हुआ करते थे। ये आइलैंड्स कुछ दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। उन दिनों यहाँ केवल फिशिंग विलेजेस, मार्शेस, मड फ्लैट्स, केव्स, टेंपल्स एंड हिल्स ही देखने को मिलते थे। इन आइलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे जो यहाँ मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कई कम्युनिटीज इन आइलैंड्स में रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि सातों आइलैंड्स अलग अलग कल्चर को फॉलो किया करते थे और इन सबके इंडिजीनियस किंग्स हुआ करते थे। 3rd century BCE से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले यहाँ मौर्यन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 BCE में मौर्य एम्पायर के डेक्लाइन के साथ 2nd century BCE से लेकर 10th century CE तक इन आइलैंड्स पर वेरियस इंडिजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें सत्वहनस, अभिरस, वाकटकस, कालाचूरिस, कोंकण चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, सिल्हारस और छोलास शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू रूलर्स की संप्रभुता भी समाप्त हो गई। 1348 से लेकर 1391 तक यहां पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल रहा और इसी दौरान नजीरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जल्दी ही 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तब जाफर खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के साथ बॉम्बे भी अब गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पोर्चुगीज 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें बॉम्बे को पूरी तरह हासिल करने में दो दशक तक का समय और लगा। 1534 में बॉम्बे पूरी तरह से पोर्चुगीज के कब्जे में आ गया। हालांकि पोर्चुगीज ने बॉम्बे पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स ही किए, तब भी इन्होंने शहर के चारों ओर रोड, कॉजवेज एंड कई फोर्ट्स का निर्माण किया, जिसमें बॉम्बे कैसल, बांद्रा फोर्ट एंड मद फोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड्स में कम्यूट करना काफी इजी हो गया। पोर्चुगीज ने लगभग एक सेंचुरी तक यहां राज किया और आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में पोर्चुगीज किंग जॉन 4 ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त ये आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स 2 को दहेज में दे दिया। 20 May 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डा गामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर के रूप में इंडिया के मालाबार कोस्ट कालीकट पहुंचे। अपने अराइवल के कई साल बाद 1505 में पोर्चुगीज के फर्स्ट वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने कोचिन में अपना पहला हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किया और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर उसे अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। पोर्चुगीज का भारत में आना इन सभी आइलैंड्स को पूरी तरह से बदलकर रखने वाला था। सबसे पहले दिसंबर 1508 में पोर्चुगीज वायसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा कन्नानोर से दियो तक के अपने अभियान के दौरान बॉम्बे पहुंचते हैं। इन्होंने अपने शिप को बॉम्बे आइलैंड के किनारे लगाया। बॉम्बे का अरेबियन सी से लगे होने की वजह से अल्मीडा को ये जगह काफी पसंद आई। अल्मीडा इन पोर्ट्स को देखकर इतने खुश हुए कि इन्होंने इस पोर्ट का नाम बॉम्बाहिया दिया, जिसका मतलब था गुड बे। बाद में ये सभी आइलैंड्स बॉम्बाहिया के नाम से पॉपुलर होने लगे। जब 1661 में ब्रिटिश क्राउन ने इन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाया, तब इसका नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया। धीरे धीरे इन सारे आइलैंड्स को बॉम्बे नाम से बुलाया जाने लगा। हालांकि अल्मीडा ने यहां 1508 में ही विजिट कर लिया था,
लेकिन पोर्चुगीज को बॉम्बे तक आने में एक साल का समय लग गया। दरअसल बॉम्बे आइलैंड्स उन दिनों सुल्तान बहादुर शाह जो कि गुजरात सल्तनत के किंग थे उनके अंडर आता था, इसलिए पोर्चुगीज यहां सीधे तौर पर नहीं आ सके। हालांकि पोर्चुगीज लगातार गुजरात सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। इसी दौरान पुर्तगालियों ने माहिम क्रीक पर अपनी जीत हासिल कर ली और 21 जनवरी 1509 को गुजरात सल्तनत के एक जहाज पर कब्जा करने के बाद अपनी पहली यात्रा बॉम्बे आइलैंड के लिए की। लेकिन इससे उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। लगातार हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद पोर्चुगीज ने 1526 में बसाइन, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है, वहां अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इन दिनों बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स में इस्लाम को काफी प्रचलित किया था, लेकिन वो लगातार मुगल मराठा वॉर्स में फंसे रहते थे जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स में काफी कम हो गया था। पोर्चुगीज इस मौके की तलाश में काफी दिनों से थे और अब उन्हें ये मौका मिलने ही वाला था। 1528 से 1529 के दौरान पोर्चुगीज गवर्नर लोपो वास डे सैम्पाइयो ने गुजरात सल्तनत से फोर्ट ऑफ माहिम को छीन लिया। इस वक्त तक मुगल एम्परर हुमायूं भी मुगल एम्पायर को बढ़ाने में जुटा हुआ था। गद्दी संभालते ही उसने अपना रुख बिहार और गुजरात की तरफ कर लिया। बहादुर शाह को एहसास होने लगा था कि जल्द ही हुमायूं अब गुजरात को उससे छीन लेगा। दिन ब दिन बहादुर शाह का ये बढ़ता हुआ डर उन्हें पोर्चुगीज से दोस्ती करने पर मजबूर करने लगा, लेकिन पोर्चुगीज के एम्बिशन कुछ और ही थे। एक साइड जहां बहादुर शाह की हुमायूं से इनसिक्योरिटीज बढ़ती ही जा रही थी, तो वही दूसरी ओर पोर्चुगीज ने बहादुर शाह के इस डर का फायदा उठाया। पोर्चुगीज ने हुमायूं के अटैक से गुजरात सल्तनत को बचाने और उनका साथ देने के बदले 23 दिसंबर 1534 को बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बसाइन को साइन किया। इस ट्रीटी के तहत बहादुर शाह ने 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे एंड बसाइन को पोर्चुगीज को सौंप दिया और इसी के साथ बॉम्बे एंड बसाइन पर से गुजरात सल्तनत का एंड हो गया। बॉम्बे पर कब्जा करने के बाद पुर्तगालियों के हाथों में बॉम्बे के 7 आइलैंड्स थे। अब उनका मेन एम था इन आइलैंड से स्पाइस ट्रेड एंड क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। क्योंकि सालों से यहाँ इस्लामिक रूल था, इसलिए यहाँ की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। यहाँ का माहौल बदलने के लिए पोर्चुगीज ने यहाँ इंटर मैरिज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यहाँ कई चर्चेस बनवाए गए। हालांकि पोर्चुगीज के शासन के दौरान इन आइलैंड्स में ज्यादा बड़े लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने इन एरियाज को अपने हिसाब से डेवलप किया। रोमन कैथोलिक चर्च को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया। उस टाइम तक बॉम्बे में इनका ट्रेड काफी जोरों से चलने लगा था। कॉटन, कोकोनट, कॉयर, स्पाइसेस की ट्रेड ने यहाँ काफी जड़ें फैलाई। ट्रेड में रफ्तार के साथ पोर्चुगीज ने यहाँ कई ट्रेडिंग सेंटर्स, बिल्डिंग्स और चर्चेस को भी बनवाया। कच्चे माल को पोर्ट तक लाने ले जाने के लिए उन्होंने रोड्स एंड कॉजवेज भी बनवाए। 16th सेंचुरी खत्म होने के साथ ही पोर्चुगीज ने इंडियन ओशन सहित भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन पोर्चुगीज की बढ़ती आमदनी और मोनोपोली को देखते हुए कई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज खासकर स्पेन ने पोर्चुगीज पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच स्पेन ने पोर्चुगल पर अटैक कर उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत अब भी सुरक्षित था, लेकिन जल्दी ही यहां इंग्लिश मर्चेंट ने नवंबर 1583 में एंट्री की, जिसके साथ ही ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज में भारत के डिफरेंट एरियाज पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई छिड़ गई। दूसरी कई यूरोपियन पावर्स इंडिया में पोर्चुगीज के स्पाइस ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो लगातार भारत में मुगल एम्परर से बिजनेस करने की मंजूरी मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर पोर्चुगीज मुगल किंग को काफी ज्यादा टैक्स देते थे, जिसकी वजह से ये राजा दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं दे रहे थे। इसी दौरान 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के स्वाली में अपने शिप्स को लगाया और यहाँ के गवर्नर से ट्रेड करने की मंजूरी मांगी, लेकिन बदले में उनके 2 ट्रेडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पोर्चुगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ एक बैटल हुई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इस बैटल को बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जिसमें पहली बार पोर्चुगीज को किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी ने हराया था। इस जीत के बाद पोर्चुगीज की इंडिया में न सिर्फ ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो गई। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के कुछ एरियाज में ट्रेड की परमिशन भी मिल गई। एक तरफ ब्रिटिशर्स अपने ट्रेड को भारत में एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो दूसरी ओर मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी तक भारत में डच की पावर काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी।
धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पाव फैलाने लगी। इधर पोर्चुगीज का वर्चस्व भी भारत से कम होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें भारत में ट्रेड करना है तो जल्दी ही उन्हें सारे कोस्टल एरियाज में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना होगा। हालांकि उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड मेनली पटना, सूरत, कोलकाता और गुजरात में ही कर रही थी, लेकिन दूसरी कंट्रीज को भारत में आने से रोकने के लिए उन्हें वेस्टर्न कोस्ट को भी सुरक्षित करना था। बॉम्बे आइलैंड्स भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ही था, जहां अरेबियन सी के रास्ते थे। दूसरे कंट्रीज के ट्रेडर भारत की तरफ आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हाल में किसी और को भारत पर अपना राज जमाने नहीं देना चाहती थी, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सुझाव पर ब्रिटिश एम्पायर की सूरत काउंसिल ने बॉम्बे को पोर्चुगल के किंग जॉन फोर से एक्वायर करने के बारे में सोचा। इस सोच को हकीकत में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज के सामने मैरिज का प्रपोजल पेश किया, जिसमें ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड और पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, जो कि पोर्चुगीज किंग जॉन फोर की बेटी थी, उनकी शादी का प्रपोजल दिया गया। ये शादी कम और स्ट्रेटेजिक अलायंस ट्रीटी ज्यादा लगती थी, जिसके प्रपोजल में शर्तों की एक लिस्ट थी। इन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये थी कि पोर्चुगीज को बॉम्बे के सातों आइलैंड्स को शादी में गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड को देना होगा। शादी का यह प्रपोजल 1661 में ही ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को दे दिया था, लेकिन पोर्चुगीज के कई मिनिस्टर्स इस बात के खिलाफ थे। इसके अलावा प्रिंसेस भी इस शादी को मानने से इनकार करती रही, क्योंकि उन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड के कई रिश्तों से एतराज था। लेकिन डचेस का बढ़ता इन्फ्लुएंस अब पोर्चुगीज को डराने लगा था। 16th सेंचुरी के अंत में डचेस इंडियन ओशन में पोर्चुगीज की मोनोपोली को चैलेंज करने लगे। उन्होंने वो बिजनेस जिस पर पोर्चुगीज का एकाधिकार था, वो उनसे छीनने लगे। अब डचेस भारत के अलावा दूसरे ईस्टर्न देशों में भी घुसने लगे और मसाले, सिल्क और गोल्ड का बिजनेस करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पोर्चुगीज के बिजनेस को तेजी के साथ छीनना शुरू कर दिया। 17th सेंचुरी के एंड तक तो नीदरलैंड्स यूरोप का सबसे धनी देश बन गया। डचेस के इस बढ़ते कॉलोनाइजेशन को देखकर पोर्चुगीज अब डर गए। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने में अपना फायदा दिखने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश क्राउन से संबंध अच्छे हो जाए तो डचेस को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो भी मैरिज ट्रीटी पर अग्री हो गए। फिर 1668 में ये शादी हुई और शादी के बाद 27th मार्च 1668 को बॉम्बे आइलैंड्स पर इंग्लैंड का राज हो गया। अब पोर्चुगीज के लिए ऐसा करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे का वो उभरता भविष्य नहीं देखा था जो ब्रिटिशर्स देख पा रहे थे। इस कारण शादी का प्रस्ताव मानते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते कामयाब रहे और दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड के किंग को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को डाउरी में बॉम्बे आइलैंड्स के अलावा मोरक्को के पोर्ट ऑफ टैंजियर को भी गिफ्ट किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्चुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग की भी इजाजत मिली। पोर्चुगल में रहने वाले इंग्लिश रेजिडेंट्स को रिलीजियस एंड कमर्शियल फ्रीडम दी गई और शादी पूरी होने के साथ ही करीब 2 मिलियन पोर्चुगीज क्राउन्स भी इंग्लैंड को दिए गए। बॉम्बे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी कई वजह थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के जरिए आराम से अपने गुड्स को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे और आने वाले समय में वो अपने ट्रेडिंग सेंटर को गुजरात के सूरत से बॉम्बे शिफ्ट करने वाले थे। इस आइलैंड की इम्पोर्टेंस को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में इसे हथियाना चाहती थी, जिस कारण कंपनी ने किंग से आइलैंड की मांग की और किंग ने 27th मार्च 1668 को केवल 10 पाउंड एनुअल रेंट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आइलैंड लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने हाथ में लेते ही इसके रंग ढंग बदलने शुरू कर दिए। सबसे पहले कंपनी ने यहाँ के डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए कई चेंजेस करने शुरू किए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई कुएं, वेयरहाउसेस और कस्टम हाउसेस बनवाए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे कासल के आसपास फोर्टिफिकेशंस भी करवाए और एक सिविल कोड भी बनवाया। बॉम्बे का पहला गवर्नर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सिंडेन को बनाया गया। डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के साथ कंपनी ने यहाँ अपने बिजनेस को भी तेजी से स्प्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉम्बे में बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहले इस जगह को फर्दर डेवलप करने की जरूरत थी। उस समय आइलैंड पर हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर थी और इसी वजह से यहाँ काफी बीमारियां फैलती रहती थी, जिस कारण लोगों का यहाँ काम करना काफी मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई हॉस्पिटल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। मेडिकल फैसिलिटीज के चलते बॉम्बे की पॉपुलेशन में काफी सुधार देखा गया।
1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी गई और जो पॉपुलेशन एक समय पर केवल 10,000 थी वो मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते 60,000 के करीब आ गई। मेडिकल की प्रॉपर फैसिलिटीज और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण यहाँ ट्रेड करना भी आसान हो गया और इंडिया और ब्रिटिश मर्चेंट्स के अराइवल के साथ ही 17th सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे में ट्रेड का डेवलपमेंट भी देखने को मिला। यहाँ सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लोथ, लीड एंड स्वॉर्ड ब्लेड्स का काम किया जाता था। बॉम्बे में जब ट्रेड ने अपनी ग्रोथ की तो 1710 तक ब्रिटिशर्स ने अपना बॉम्बे कैसल भी बनवा लिया। इस कैसल की मदद से ब्रिटिशर्स यहां 24 घंटे आसपास के एरियाज में नजर रखने लगे, जिसका फायदा ये हुआ कि आइलैंड पर यूरोपियन पायरेट्स और मराठास के सी अटैक्स काफी कम हो गए। वक्त के साथ साथ बॉम्बे ने ब्रिटिशर्स के बिजनेस में काफी मदद भी की, जिस कारण यहाँ के बढ़ते स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद मिड 18th सेंचुरी तक बॉम्बे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया और यहाँ से बॉम्बे को एक मॉडर्न बॉम्बे बनाने का दौर शुरू हो गया। 1782 में विलियम हॉर्नबी बॉम्बे के गवर्नर बनते हैं। उन दिनों बॉम्बे 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जो कि कई कारणों से विलियम हॉर्नबी को बॉदर करने लगा था। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया जो कि अब बॉम्बे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरअसल इन सभी आइलैंड्स पर आने जाने के लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स को बोट और शिप का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी हालत में जब भी बाढ़ या सुनामी आती थी तो ये सारे बोट्स बर्बाद हो जाते थे, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा सूरत पोर्ट मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से हमेशा ही डर लगा रहता था। उन्हें अब एक नए बंदरगाह की जरूरत भी थी, जहां वो मुगल किंग्स की नजरों से दूर खुद को फ्लरिश कर सके। इसके अलावा सातों आइलैंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतें आ रही थी। इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए विलियम हॉर्नबी ने इन सातों आइलैंड्स को जोड़ने के लिए वेलार रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इन्हें पता था कि जब ये सातों आइलैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे तब यहाँ ट्रेड, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस सपने को हकीकत करने के लिए उन्होंने इन सातों आइलैंड्स के बीच कॉजवेज बनाने लगे, जिसे ऑफिशियली हॉर्नबी वेलर रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि सातों आइलैंड्स के बीच की दूरी को मलबों से भरकर जोड़ दिया जाए। सातों आइलैंड्स को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट 1782 में शुरू हुआ और 1845 में आकर खत्म हुआ। इस तरह हमें वो बॉम्बे शहर मिला जिसे आप आज मुंबई के नाम से जानते हैं। अब जब सातों आइलैंड्स को जोड़ दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटने के लिए एक अलग से पोर्ट विकसित कर लिया। कॉजवेज बनने के साथ ही बॉम्बे में अब फैक्ट्रीज लगने लगी। इन फैक्ट्रीज में ब्रिटिशर्स भारत के कच्चे माल को स्टोर किया करते थे और सीधे यही से सारा सामान इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसी तरह इंग्लैंड से आए फिनिश गुड्स को यही से पूरे देश में बेचने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ फैक्ट्रीज बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को चीप लेबर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बाहरी राज्यों से लोगों को लाना और यहाँ बसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये शहर अब कलकत्ता की बराबरी करने लगा था और कुछ समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भी फाइनेंशियल कैपिटल भी बनने वाला था। लेकिन अब भी यहाँ सड़कों की कमी थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और अच्छी तरह से ऑपरेट करने के लिए यहाँ कई सड़कें बनवाई। देश के कोने कोने से कच्चे माल, मेटल्स, मसालों और सिल्क को तेजी के साथ पहुंचाने के लिए 1845 आते आते ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे सर्विसेज भी शुरू कर दी थी। क्योंकि बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंशियल हब के रूप में उभर गया था, तो यहाँ एलीट क्लास के ऑफिसर्स और लोग भी रहा करते थे। इन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन भी बॉम्बे में ही चलाई थी। 1853 में ये ट्रेन बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई। इसी बीच भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ। भारत में 1857 की क्रांति ने जोर पकड़ ली। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डिसॉल्व कर दिया। हालांकि इसके बाद इंडियन ओशन ट्रेडिंग की बागडोर अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। 1 जून 1874 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद पूरा भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और बॉम्बे सहित पूरे भारत की अफेयर्स की बागडोर अब ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। क्योंकि बॉम्बे भारत के सबसे उन्नत और बड़े शहरों में से एक था, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने इसे फर्दर डेवलप करने के कई प्लान्स पर काम किए। टाइम के साथ बॉम्बे काफी प्रॉस्पेरस होता चला गया, जैसे ही यहाँ फैक्ट्री सेटअप हुई और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ।
अर्बनाइजेशन शुरू होने के साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। बाहर से लोग और कामगार यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आने लगे। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से यहाँ अब कई परेशानियां भी शुरू होने लगी, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम का था। 1896 में यहाँ प्लेग फैल गया, जिससे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हालात काफी नाजुक हो गए। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाया, जिससे कि बॉम्बे की हालत को सुधारा जा सकता था। इसके बाद इस ट्रस्ट ने यहाँ नए सेटलमेंट्स बनाए, जहाँ लोगों को सेटल किया गया। इस नए सेटलमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीय कामगारों और आर्टिसंस को यहाँ से निकाल दिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स को अपने फायदे के लिए और ज्यादा जमीनें मिल गई, और जो भारतीय आर्टिसंस यहाँ रहा करते थे रातों रात बेघर हो गए। इसी ग्रुप ने बॉम्बे के चारों तरफ सी वॉल्स बनाने का काम शुरू किया। हालांकि यह प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था और इसी वजह से इसका काम काफी लंबा चला। वर्ल्ड वॉर टू के समय जब फाइनली मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, तब जाके ये सी वॉल का प्रोजेक्ट पूरा हो सका। हालांकि बॉम्बे में डेवलपमेंट तेज रफ्तार में हुई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के इनकम को बढ़ाने और भारत से ज्यादा धन लूट कर ले जाने का था। बॉम्बे में मरीन ड्राइव फ्लाईओवर का निर्माण भी वर्ल्ड वॉर टू में सिपाहियों को खाना पानी जरूरत के सामान और युद्ध के हथियारों को आसानी से और तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुआ था। 1945 में जब मरीन ड्राइव का काम पूरा हुआ, तब बॉम्बे के सबर्ब्स में भी काफी खाली जमीन मिली, जहां डेवलपमेंट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्डअप होने लगी। ब्रिटिश राज के टाइम में बॉम्बे पॉलिटिक्स और बिजनेस का बड़ा हब बन गया। ब्रिटिशर्स ने यहां कई बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए, जो आज तक भारत की शान में खड़े हैं। द राजाबाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस और बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्माण भी ब्रिटिश रूल के दौरान ही हुआ था। 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ का भारत के एम्परर के तौर पर कोरोनेशन होने वाला था, तब मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो कि 1924 में बनकर पूरा हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब तक बॉम्बे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में शुमार हो गया था। यहाँ गुजराती समाज के लोगों का काफी बोलबाला था। पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ की इकोनॉमी और बिजनेस गुजराती समाज के लोगों के हाथ में था, जिसकी वजह से मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन में काफी डिससैटिस्फैक्शन फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ 1956 से 1960 तक मराठा प्रोटेस्ट चला। इस दौरान बॉम्बे में काफी वायलेंस फैलने लगा। बढ़ती अनसैटिस्फैक्शन और वायलेंस की वजह से 1960 में बॉम्बे स्टेट का पार्टीशन कर दिया गया, और इसके बाद दो नए स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात को फॉर्म किया गया। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अर्बन एरिया बॉम्बे के नाम से जाना गया और महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी बन गया। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर इसका मराठी नाम मुंबई कर दिया गया।